कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा साथियों नमस्कार, दामोकुल ब्लॉग यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हैं मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और आज हम जा रहे हैं राजा जी नगर हरे कृष्णा हिल्स पे है, जहाँ पे बेंगलुरु के एक बहुत ही बड़े मंदिर है इस्कन मंदिर। तो चलिए वहाँ जाके वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो साथियों हमारा आज का यात्रा शुरू हो रहा है BTM कोबेम्पू नगरा बस स्टॉप से, जहाँ से बस पकड़ के हमको पहुँचना है लालबाग मेट्रो में। यहाँ भी मेट्रो का काम चल रहा है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से मेट्रो अभी तक स्टार्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट हम इस्कन मंदिर तक मेट्रो में जा सकते थे। तो हमको पहले लालबाग तक पहुँचना है बस में, वहाँ से मेट्रो पकड़ के इस्कन मंदिर तक। तो चलिए चलते हैं। तो इस्कन टेम्पल जाने के लिए फ़िलहाल हम हैं लालबाग में, लालबाग मेट्रो स्टेशन में। हमारा चेकिंग हो चुका है तो हम अभी पहले टिकट लेंगे यहाँ से, और है यहाँ से हम अभी टिकट लेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ से टिकट सैंडल सोप फैक्ट्री का, और इस्कन मंदिर जाने के लिए आपको सैंडल सोप फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, आप महालक्ष्मी लेआउट से भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम क्यों एक स्टॉप आगे जा रहे हैं उसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। टिकट हो चुका है देख सकते हैं, यही टिकट है मेट्रो का, जो इसको हम यहाँ पे स्कैन करेंगे तो देख सकते हैं हमारा डोर ओपन हो चुका है। तो अभी हम हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म वन पे हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमको जाना है यशवंतपुर साइड पे। तो वहाँ जाने के लिए लालबाग की जो लेफ्ट तरफ की प्लेटफॉर्म है वहाँ से जाना है। तो हम ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ से, और यहाँ देख सकते हैं मेट्रो ऑलरेडी लाइन पर लगा हुआ है जो आया है। तो फिलहाल हम इससे नहीं जा रहे क्योंकि ये जाने वाला है, उसके बाद जो आएगा उससे हम जाएंगे। और आप किसी से भी एक बार मेट्रो का टिकट कर लिया तो आप इससे नहीं नेक्स्ट वाला, नहीं तो नेक्स्ट वाला से भी आ जा सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको जाने देते हैं, उसके बाद जो आएगा उससे हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर 4-5 मिनट में एक के बाद एक मेट्रो चलता ही रहता है। तो दिखाते हैं आपको मेट्रो स्टेशन का बाहरी हिस्सा, ये देख सकते हैं मेट्रो यहाँ से रवाना हो चुका है। तो हम भी वेट करेंगे और एक मेट्रो के लिए, और ये है मेट्रो का स्टेशन, कितना फ्रेश है देख सकते हैं। तो साथियों अभी हम हैं लालबाग मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से हम मेट्रो पकड़ के रवाना होंगे सैंडल सोप फैक्ट्री, और वहाँ से इस्कन टेम्पल। तो वहाँ जाके दिखाएंगे मंदिर का नज़ारा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो ये देख सकते हैं मेट्रो का ट्रैक है, जो कि मेट्रो चलने के लिए 750 वोल्ट का हाई वोल्टेज बिजली से मेट्रो चलता है। तो नीचे ट्रैक में जाने का इजाज़त किसी को नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से साइड पे वेट करना है। और फिलहाल जो मेट्रो चल रहा है ये अंडरग्राउंड चल रहा है, बहुत ही स्पीड से अंडरग्राउंड से चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं और एक मेट्रो उस साइड पे है, तो यहाँ डोर से थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है, क्योंकि एक एक स्टेशन पर एक एक साइड से डोर ओपन होता है। तो यहाँ हम भी सफ़र का मज़ा ले रहे हैं खिड़की को देखते हुए, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ उस साइड का व्यू देख सकते हैं, कितना मस्त नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है प्रकृति को देखते हुए जो मेट्रो का सफ़र है। तो फिलहाल हम हैं राजा जी नगर पे, और अभी राजा जी नगर क्रॉस करके महालक्ष्मी लेआउट को भी हम क्रॉस कर दिया, क्योंकि हम जा रहे हैं नेक्स्ट सैंडल सोप फैक्ट्री में। और यहाँ क्यों जा रहे हैं आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि हम आपको मेट्रो से मंदिर का ये जो व्यू आप देख पा रहे हैं, ये व्यू आपको दिखाने के लिए हम एक स्टॉप दूर जाके उतर रहे हैं, और वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं, मंदिर तक आने के लिए आप 5 मिनट वॉकिंग में रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन ये मेट्रो में जाते हुए आपको ये जो मंदिर का व्यू दिख रहा है, इतना सुंदर सा, इतना प्यारा सा सी व्यू आपको दिखाने के लिए हम लोग एक स्टेशन आगे जाके उतर रहे हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। अभी जाना है नीचे, चलिए अभी नीचे चलते हैं, मेट्रो जा रहा है यहाँ से।
फिलहाल हम एग्ज़िट होने वाले हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से सब एग्ज़िट होते हैं। तो एग्ज़िट होने के लिए आपको क्या करना है, ये जो टिकट है, जो मेट्रो का स्कैन किया हुआ टिकट है, सबमिट कर देना है। अंदर डालो, अंदर अंदर अंदर, इधर इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, हाँ जाओ जाओ जाओ, चल ले जाओ, हाँ ये देख सकते हैं। तो हम सबमिट कर दिया अपना टिकट को, चलते हैं अभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो देख सकते हैं फिलहाल हम मेट्रो स्टेशन से आउटसाइड आ चुके हैं। ये सैंडल सोप फैक्ट्री का मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, ये सैंडल सोप फैक्ट्री मेट्रो स्टेशन का आउटसाइड का नज़ारा। तो हमको अभी जाना है यहाँ से थोड़ी दूर में, जो हम वॉकिंग में 5 मिनट में पहुँच जाएँगे इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो साथियों, सबसे पहले मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉइस सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ब्लॉक करना बहुत ही मुश्किल होता है, रोड पे ब्लॉक करना बहुत ही नॉइस आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत बताने की। और साथ ही ये देख सकते हो इस्कॉन बस स्टॉप है, जहाँ पे आप बस में भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस यहाँ से आता है। और यही से गेट है इस्कॉन का, ये देख सकते हैं हम बस 5 ही मिनट नहीं हुआ सैंडल सोप फैक्ट्री से वॉकिंग में पहुँच चुके हैं इस्कॉन मंदिर तक, ये मंदिर का प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं हम। यहाँ देख सकते हैं ये राइट साइड पर मेट्रो का लाइन है और नीचे रोड है, और यहाँ देख सकते हो वेलकम टू श्री राधा कृष्ण टेम्पल, जो कि इस्कॉन का बेंगलुरु इस्कॉन मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए चलते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है दर्शन के लिए अंदर जाना, जो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए सब रहते हैं, और मास्क लगाना ज़रूरी है, अभी तक 6 फीट की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो यहाँ हम अपना लगेज, जो बैग कैमरा है, सब नहीं लेके अंदर जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमको टोकन मिल चुका है बैगेज का, जो आने का टाइम हम ले लेंगे यहाँ से। और अभी हमको यहाँ पे अपना शू रखना पड़ेगा, पैसा पे करके अपना शू वॉलंटियर भाइयों को हम दे देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे फ्री में भी शू रख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए हम अपना पैसा पे करके शू रख दिया है। और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा सा पानी का, जो आप पैर को क्लीन कर सकते हैं यहाँ पर मंदिर में आते हुए, सभी को हैंड वॉश सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल हम अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये है जो प्रवेश द्वार है, यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से हम अंदर आए हैं और हमको पहुँचना है वहाँ पे। ये देख सकते हैं मंदिर का जो शिखर पे ध्वज लहरा रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे मास्क अनिवार्य है, जो हर जगह जगह पे लिखा गया है मास्क लगाना ज़रूरी है, तो हम भी मास्क लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही घूम घूम के हम आगे बढ़ रहे हैं, और यह देख सकते हैं मंदिर के आगे कितना सुंदर सा एक गार्डन बना के रखा है, पानी भी इकट्ठा करके रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग ऐसे ही ट्रान करते करते, वॉकिंग करते करते हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। यहाँ पे एक गेट देख पा रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है श्री राधा कृष्ण टेम्पल। तो इसके अंदर से हमको अभी जाना है। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मेट्रो का लाइन है, जहाँ से मैं दिखाया था मंदिर का व्यू, यहीं से शूट किया था मैं, मेट्रो से हम आए थे जब। तो चलिए अंदर चलते हैं इस गेट से और दिखाते हैं आपको यहाँ का नेचुरल व्यू। आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा है। तो अभी हम इस गेट से होते हुए अंदर जाएंगे, करीब 108 सीढ़ी क्रॉस करके हम अंदर पहुँचेंगे, जहाँ तक कैमरा अलाउ होता है मैं वहाँ तक दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। चलिए अंदर चलते हैं अभी। तो साथियों यहाँ देख पा रहे हैं कृष्ण नाम जप करते हुए भक्त लोग एक के पीछे एक आगे बढ़ रहे हैं, 108 स्टेप क्रॉस करके पहुँचेंगे जो पहला मंदिर है प्रहलाद नरसिम्हा का। तो हम भी चलते हैं अंदर तक और दिखाने की कोशिश करेंगे आपको मंदिर को, जहाँ तक कैमरा अलाउ है वहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमको एक पर्ची मिल चुका है जिसमें कृष्ण नाम सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में लिखा हुआ है। तो हम भी अभी अंदर चलते हैं, कृष्ण नाम जप करते हुए 108 सीढ़ी क्रॉस करते हैं हम भी। चलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण नाम जप करते हुए हम पहुंच चुके हैं श्री प्रहलाद नरसिम्हा मंदिर पे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला मंदिर जो कि है श्री प्रहलाद नरसिम्हा का, वो दर्शन हो चुका है। यहाँ से हम अभी आउटसाइड आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर का बनावट, मंदिर का व्यू, जो बाहरी हिस्सा में कितना डिजाइनेबल तरीके से बनाया है देख सकते हैं। अभी ये सेकंड मंदिर में हम जाएंगे, तो चलिए उसके अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू जो कि है सेकंड मंदिर। तो आगे बढ़ रहे हैं हम भी, और ये जो दिख पा रहा है लास्ट में उसमें जाएंगे सबसे आखिर में, तो इसके अंदर आप जाते हैं, हम इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दर्शनार्थी लोग एक एक करके दर्शन करके आ रहे हैं, हम भी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये जो मंदिर है ये है श्री श्रीनिवास गोविंदा मंदिर, देख पा रहे होंगे आप, तो जहाँ हो सके हम दिखा रहे हैं आपको। तो श्रीनिवास गोविंदा का मंदिर दर्शन हो चुका है, और यहाँ देख सकते हैं आउटसाइड पे हम आए हैं, यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं आप, आपको चाहिए तो पूजा के लिए, जो कि श्री राधा कृष्ण मंदिर पे पूजा देने के लिए यहाँ से कुछ ले सकते हैं पूजा का, कोकोनट, फल, फ्रूट, फूल वगैरह। और यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको मंदिर का सजावट, मंदिर का बनावट कैसे बनाया है मंदिर को, ये देख सकते हैं। एक दो मंदिर हम क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, अभी तीसरा मंदिर दर्शन करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। तो यहाँ देख सकते हैं मंदिर की स्थापना के बारे में लिखा गया है कि हमारा देश की 9वीं राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने मई 31 को 1997 में इस मंदिर का उद्घाटन किए थे। तो ये देख सकते हैं दर्शनार्थी लोग यहाँ से आ रहे हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं प्राकृतिक जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक बड़ा सा घंटी देख सकते हैं, ये बजा रहा है, और हमको अभी पहुँचना है इस मंदिर के अंदर में जो कि है राधा कृष्ण मंदिर। और इसके अंदर में कैमरा अलाउ नहीं होगा, मोबाइल भी आप
पॉकेट में ही रख सकते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्षमा चाहते हैं। हम भी मंदिर की रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अपना कैमरा को अभी ऑफ करते हैं और ये दिखा देते हैं आपको बाहर का व्यू। यहाँ से आप कितना भी चाहे फ़ोटो ले सकते। तो क्षमा चाहते हैं हम आपसे कि हम अपने वीडियो में मंदिर के अंदर के परिसर को आपको दिखा नहीं सकते। और यह देख सकते हैं हमारा श्रीमद् भगवद गीता आपको भारत की लगभग सभी भाषाओं में मिल जाएगा, जो देख सकते हैं बंगाली, उड़ीसा, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेज में श्रीमद् भगवद गीता यहाँ से मिल जाता है। कुछ देर हम यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा जाने का टाइम, थोड़ा सा मंदिर का नज़ारा आपको दिखा दिया। आप कीर्तन चल रहा है देख सकते हैं, तभी हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। और यहाँ आने का आनंद, जो यहाँ बैठने का मन को जितना शांति मिलता है वो यहाँ बैठ के ही महसूस कर सकते हैं, ये बोल के मुँह से बयां नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं, हम यहाँ से नीचे जाते हैं। और ये है कुछ अंदर का, जो मैं अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत दूर से कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। चलिए, तो साथियों फिलहाल हम हैं मंदिर के नीचे, जो अंडरग्राउंड में एक छोटा सा शॉपिंग मॉल जैसा बना दिया गया है। यहाँ के जो दर्शनार्थी लोग आते हैं उनके शॉपिंग के लिए यहाँ से आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, भगवान की प्रतिमाएं, उनकी फ़ोटो, माला, बुक्स वगैरह, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको, घर सजाने का आइटम सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। और आप चाहे तो यहाँ से घर के लिए प्रसाद भी ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे करके प्रसाद ले सकते हो यहाँ से। और ये जो देख सकते हैं मंदिर को कैसे यहाँ पे तैयार किया गया है, हरे कृष्णा हिल्स के ऊपर, ये जो देख पा रहे पूरा मंदिर, इसको 1990 से बनाना स्टार्ट किया था और 1997 को इसका काम कंप्लीट हुआ। ये देख सकते हैं जो 1988 में भी यहाँ पे श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वो भी यहाँ पे सब कुछ श्री हरे कृष्णा हिल्स के बारे में दर्शाया गया है, देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा दर्शन तो संपूर्ण हो चुका है, लेकिन आपको मंदिर का सबसे अमेजिंग नज़ारा दिखाना अभी तक बाकी है। अभी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। यह देख सकते हैं सबको फ्री प्रसाद दिया जाता है, भगवान का भोग जो हम यहाँ से लेंगे और दिखाएंगे आपके आगे का नज़ारा। तो हम भी अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ से, महाप्रसाद लेके फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में,
हम अपना प्रसाद लिया है, तो प्रसाद ग्रहण करके हम अपना हैंड वॉश कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सभी सुविधाएँ यहाँ पे है, हैंड वॉश करके हम यहाँ से साफ पीने का पानी पी सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह देख सकते हैं 11 बजे से 2 बजे तक अन्नदान हॉल में फ्री लंच का सुविधा है, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और लंच करते हैं हम भी। और यहाँ पे सबसे अमेजिंग मुझे ये लगा है, ये जो देख पा रहे हैं अन्नदान हल के अंदर में एक पेड़ को कैसे कई सालों से ज़िंदा रखा जा रहा है, पेड़ को बिना काटे घर को बनाया और अभी तक उस पेड़ की देखरेख इसकन टीम वाले कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बेंगलुरु इसकन टीम वालों को। तो यहाँ हमारा लंच आ चुका है, लंच में है राइस, दाल, रसम, पत्ता गोभी, चटनी और दही, तो बहुत अच्छा खाना था। तो हमारा खाना वाना कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल वक्त है आपको सबसे अद्भुत नज़ारा दिखाने का मंदिर का, तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये देख पा रहे हैं आप मंदिर का सबसे सुंदर सबसे अद्भुत नज़ारा। और ये जो पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ अभी, इसको बोलते हैं मंदिर का सेल्फी पॉइंट, जहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है और यहाँ से आप कितना चाहे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और ये देख सकते हैं यहाँ इतनी ऊँचाई पर पानी भी रखा गया है जो पर्यटकों को अच्छा लगे, जो मंदिर आने वाले लोगों को अच्छा महसूस कराए। तो बेंगलुरु आने वाले सभी पर्यटक से मेरा एक ही आवेदन है कि आप बेंगलुरु आए और इस्कन मंदिर को नहीं गए, नहीं देखा, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो जो बेंगलुरु आ रहे हैं सभी एक बार इस्कन मंदिर को ज़रूर देखना। और ये इस्कन मंदिर खाली बेंगलुरु का नहीं, हमारा भारत के बड़ा मंदिरों में से एक मंदिर के तौर पर माना जाता है बेंगलुरु का इस्कन मंदिर। तो हमारा सब कुछ दर्शन संपन्न हो चुका है, यहाँ से हम अभी एग्ज़िट होते हैं और बाहर चलते हैं अपना सामान वगैरह उठा के। सबसे पहले हमको जाना है यहाँ, तो फ़िलहाल हम अपना जहाँ पे जूते छोड़ के गए थे वहाँ से जूते कलेक्ट करते हैं, जो जूते के लिए एक टोकन दिया गया था कि देने के टाइम जो टोकन दिए थे, इस टोकन से हम इस टोकन को अपना वॉलंटियर भाइयों को दे देते हैं, तो वॉलंटियर भाई हमारा टोकन के हिसाब से हमारा शू वापस कर देंगे। तो हमको भी हमारा शू मिल चुका है अभी, तो अभी हम अपना बैग कलेक्ट करते हैं यहाँ से, जो बैग का टोकन दिया है वो बैग का टोकन दिखा के हम अपना बैग कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जाते जाते हम आपको और एक बार लास्ट गेट से मंदिर का व्यू दिखाते हैं। तो ये देख पा रहे हैं मंदिर की एग्ज़िट गेट से मंदिर का व्यू। हमारा वीडियो इतना टाइम देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो साथियों, हमारा दर्शन संपूर्ण हो चुका है, आपने हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कोई नए जगह पे।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नया नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नया प्लेस पे। बाय।